से दूसरी बात कहना चाहता हूं कि विज्ञान से भी कठिन काम बुद्ध ने किया, क्योंकि विज्ञान तो कहता है वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना। वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत सरल है, लेकिन स्वयं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत कठिन है। बुद्ध ने वही कहा, विज्ञान तो बहिर्मुखी है, बुद्ध का विज्ञान अंतर्मुखी है। धर्म का अर्थ होता है अंतर्मुखी विज्ञान। बुद्ध ने कहा जैसे दूसरे को देखते हो बिना किसी धारणा के, ऐसे ही अपने को भी देखना बिना किसी धारणा के। ये जरा कठिन बात है, करीब करीब असंभव जैसी, क्योंकि हम अपने को तो बिना धारणा के देख ही नहीं पाते। हम तो सब अपनी अपनी मूर्तियां बनाए बैठे, हम सबने तो मान रखा है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कौन हैं, पता कुछ भी नहीं है, मान सब रखा है। इसलिए रोज दुख उठाते हैं, क्योंकि कोई हमें गाली दे देता है तो हमें कष्ट हो जाता है, क्योंकि हमने तो मान रखा था कि लोग हमारी पूजा करें और लोग गाली दे रहे हैं। कोई पत्थर फेंक देता है तो हम क्रोधित हो जाते, क्योंकि हमने तो मान रखा था कि लोग फूल मालाएं चढ़ाएंगे, लोग पत्थर फेंक रहे हैं। हमारी धारणाएं हैं अपनी, हमने मन में अपनी एक स्वर्ण प्रतिमा बना रखी, कल्पनाओं की, सपनों की, इंद्रधनुषी। बुद्ध कहते हैं ये प्रतिमाएं भी छोड़ो, नहीं तो तुम आत्म साक्षात्कार न कर सकोगे। तुम कौन हो ये धारणा छोड़ो, हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की, जैन। तुम कौन हो, ब्राह्मण की, शूद्र की, क्षत्रिय। तुम कौन हो, साधु की, असाधु। ये सब धारणाएं छोड़ो, तुम निर्धारणा होकर भीतर उतरो। अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि तुम कौन हो, और ये सब धारणाएं बहुत छोटी हैं। असाधु की धारणा तो व्यर्थ है ही, साधु की धारणा भी व्यर्थ है, क्योंकि जिसे तुम भीतर विराजमान पाओगे वो स्वयं परमात्मा है। ये तुम कहां की छोटी छोटी धारणाएं लेके चले हो। इन छोटी छोटी धारणाओं के कारण वो विराट नहीं दिख पाता। आंखें इतनी छोटी, विराट समाये का तुमने सीमा इतनी छोटी बना ली है, बड़ा उतरे कैसे? तो तुम अपने भीतर भी टटोलते हो तो बस धारणाओं में ही उलझे रहते हो। बुद्ध ने कहा भीतर भी ऐसे जाओ जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं, शांत मौन, अपने अज्ञान को धारण किए भीतर जाओ, तब वही दिखाई पड़ेगा जो है, और जो दिखाई पड़ेगा वही आंखें खोल देगा। ध्यानी आंख बंद करके ध्यान करने बैठता है, लेकिन जब ध्यान हो जाता तो आंख ऐसी खुलती है कि फिर कभी बंद ही नहीं होती, फिर सदा के लिए खुली रह जाती। जिनको तुमने अपना विचार मान रखा है, कभी ख्याल किया वो क्या है? मैं हिंदू, मुसलमान की, ब्राह्मण की, शूद्र की, अच्छा की, बुरा की, ऐसा की, वैसा। ये तुमने जो मान रखे हैं विचार, ये तुम्हारे हैं, ये सब उधार है। मन तो एक चौराहा है जिस पे विचार के यात्री गुजरते रहते, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं। मैं एक घर में मेहमान था, दो बच्चे सीढ़ियों पर बैठ के बड़ा झगड़ा कर रहे थे, तो मैंने पूछा मामला क्या है? जब मारा पीठ पर नौबत आ गई तो मैं उठा और बाहर गया। मैंने कहा रुको, बात क्या है? अभी तो भले चंगे बैठे खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि इसने मेरी कार ले ली। मैंने कहा कहां की कार? तो उन्होंने कहा आप समझे नहीं, आपको खेल का पता ही नहीं। तो मैंने कहा खेल मुझे समझाओ। तो उन्होंने कहा बात यह है कि रास्ते से जो कारें गुजरती हैं, जो पहले देख ले वो उसकी। अभी एक काली कार गुजरी, वो मैंने पहले देखी, और ये कहता है कि मेरी। इससे झगड़ा हो गया। अब सड़क से कारें गुजर रही हैं और दो बच्चे लड़ रहे हैं कि किसकी, और बंटवारा कर रहे हैं। कारों वालों को पता ही नहीं कि यहां मुकदमे की नौबत आ गई, मारपीट की हालत हुई जा रही। विचार भी ऐसे ही हैं, तुम्हारे मन के रास्ते से गुजरते हैं, इसलिए तुम्हारे हैं, ऐसा मत मान लेना। तुम्हारा कौन सा विचार है? जैन घर में पैदा हो गए, मां बाप ने कहा तुम जैन हो, एक कार गुजरी तुमने पकड़ी कि मेरी। मुसलमान घर में रख दिए गए होते तो मुसलमान हो जाते, हिंदू घर में रख दिए गए होते तो हिंदू हो जाते। संयोग की बात थी कि तुम रास्ते के किनारे खड़े थे और कार गुजरी।
ये संयोग था कि तुम जैन घर में पैदा हुए कि हिंदू घर में पैदा हुए, ये संयोग मात्र है। इससे तुम न हिंदू होते हो न जैन होते हो, मगर हो गए। तुमने पकड़ ली बात, किसी ने समझा दिया ब्राह्मण हो, तिलक टीका लगा दिया, जनेऊ पहना दिया, कैसे कैसे बुद्धू बनाने के रास्ते, और सरलता से तुम बुद्धू बन गए। और तुमने मान लिया कि बस मैं ब्राह्मण हूं, और तुम शूद्र को हिकारत की नजर से देखने लगे, और अपने पीछे तुमने अकड़ पाल ली। और फिर ऐसा ही तुमने गीता पढ़ी और कुरान पढ़ा और बाइबल पढ़ी, और विचारों की श्रृंखला तुम्हारे भीतर चलने लगी, तैरने लगी, रास्ते पर ट्रैफिक बढ़ता चला गया, और तुम सारे ट्रैफिक के मालिक हो गए। तुम्हारा इसमें क्या है? तुम्हारा इसमें कोई भी विचार नहीं। और फिर तुमने यह भी देखा, विचार कितने जल्दी बदल जाते हैं। विचार बड़े अवसरवादी हैं, विचार बड़े राजनीतिज्ञ हैं। पार्टी बदलने में देर नहीं लगती, जब जैसा मौका हो। विचार बड़े अवसरवादी हैं, विचारों का बहुत भरोसा मत करना। मन राजनीतिज्ञ है, और जो मन में पड़ा रहा वो राजनीति में पड़ा रहता है। इसलिए मैं कहता हूं धार्मिक आदमी राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि धार्मिक होने का अर्थ है मन के पार गया, मन के पीछे जो चैतन्य है उसमें विराजमान हुआ। विचारों की इस भीड़ से हटो, लेकिन जब तक तुम पकड़े रहोगे कैसे हटोगे? विचारों की भीड़ ने ही तुम्हें बेईमान बनाया, पाखंडी बनाया, अवसरवादी बनाया है। मन रोग है, इससे अपने हाथ धो लो, बेमन हो जाओ। समाधि का इतना ही अर्थ है, ध्यान का इतना ही अर्थ है कि किसी तरह मन से तुम्हारा तादात्म्य छूट जाए। और तुम रोज देखते हो कि ये मन तुम्हें कैसे कैसे धोखे दिए जाता है, और इस मन के द्वारा तुम दूसरों को धोखे दे रहे हो, और ये मन तुमको धोखा दे रहा है। तुम अपने मन को जांचो, तुम बड़ी राजनीति मन में पाओगे। तुम चकित होगे देखकर कि तुम्हारा मन कितना अवसरवादी है। जब जो तुम्हारे अनुकूल पड़ जाता है उसी को तुम स्वीकार कर लेते, जब जिस चीज से जिस तरह शोषण हो सके तुम वैसा ही शोषण कर लेते, जब जैसा स्वांग रचना पड़े वैसा ही स्वांग रच लेते। अगर ऐसा ही चलता रहा ये स्वांग रचने का खेल, तो आत्मबोध कभी भी ना हो सकेगा। कितने तो स्वांग तुम रच चुके, कभी जंगली जानवर थे, कभी वृक्ष थे, कभी पशु पक्षी थे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी स्त्री कभी पुरुष, कितने स्वांग तुम रच चुके अनंत अनंत यात्रा पथ पर। कितने विचारों के चक्कर में तुमने कितने स्वांग रचे, कितनी योनियों में तुम उतरे, और अभी भी चक्कर जारी। बुद्ध कहते हैं जो मन से मुक्त हो गया वो आवागमन से मुक्त हो गया, क्योंकि मन ही तुम्हारे आवागमन को चलाता है। मन चलता है और तुम्हें चलाता है। मन का चलना रुक जाए तो तुम्हारा चलना भी रुक जाए। इस यात्रा का जो पहला कदम है वो है मन के साथ तादात्म्य तोड़ लेना। मैं मन नहीं हूं तो फिर मन के विचारों से क्या संबंध? तो ना तो ईश्वर के संबंध में कोई विचार लेके चलना, ना आत्मा के संबंध में कोई विचार लेके चलना, ना शुभ अशुभ के संबंध में कोई विचार लेके चलना। विचार को पकड़ के चलने वाला निर्विचार तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। विचार को छोड़ना है और निर्विचार में स्थिर होना है। ये महाक्रांति बुद्ध संसार में लाए। बहु प्रचारित है, बुद्ध ने धर्म को एक नया आयाम दिया, ताकि तुम्हारे भीतर जो पुरुष छिपा है वो कहीं वंचित न रह जाए। तो तुम सोच लेना, अगर तुम्हारे भीतर संदेह की क्षमता है तो तुम श्रद्धा की झंझट में मत पड़ो। अगर तुम पाते हो संदेह में कुशल हो तो श्रद्धा की बात भूलो। अगर तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर संकल्प का बल है तो तुम समर्पण को छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास तलवार की धार की तरह बुद्धि है
तो तुम उसका उपयोग कर लो, उसी से पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे पास हो उसे ठीक से पहचान लो और उसका उपयोग कर लो।